नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नींद में नमाज में ताखीर हो जाने पर कोई तकसीर व गुनाह नहीं। तकसीर तो महज हालत बेदारी में नमाज मौखर करने में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। तफसील से खबर, एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। तरक्कियात का सफर टीआरएस से मुमकिन। टीआरएस की बेहद मकबूल व काबिल तकलीफ स्कीम से अपोजिशन का दिमागी तवासुन बिगड़ा। गलत बयानबाजी से बाज आने का इंतबाह। पौधन एमएलए शकील आमिर। टीआरएस और बीजेपी की सर्दी और लफ्जी जंग पथराव में तब्दील। वाकई में पुलिस एसआई जख्मी। सिर्फ मजहब और नफरत की सियासत ही बीजेपी का शेवा। टीआरएस कैदी। बल्दिया फिजिकल चेयरपर्सन केसेस से के प्रेमलता मुतफिका तौर पर मुंतकिल। एडिशनल कलेक्टर ने की सनद हवाले। हर एक टाउन से तरक्कियात के लिए काम करने चेयरपर्सन का आज। जन्मदिन तकारीफ मनाना ही नहीं बल्कि उनकी खिदमत को याद करना और उनके नजरियात को अमली जामा पहनाना ही असल खिराज अकीदत। स्पीकर कोचरा। अब खबरें तफसील से। टीआरएस हुकूमत वज़ीर-ए-आला केसीआर की क़यादत में गरीब अवाम के लिए जो स्कीम दे रही, इसकी मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। समाज के हर फर्द वो हर तबके को फायदा पहुंचाने वाली स्कीमात टीआरएस की स्कीमात है। वज़ीर-ए-आला केसीआर को वजीर आजम बनाना ही अवाम की पसंद व मकसद। आने वाले दिनों में मरकज में टीआरएस कलेदी रोल अदा करेगी। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। 119 इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के रकमी चेकों की तकसीम की। बोधन मुस्तकर की एमएलए कैंप ऑफिस पर शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेकों की तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी बोधन एमएलए जनाब शकील आमिर ने शिरकत की। इनके हमरा म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पी पद्मा, बोधन आरडीओ राजेश्वर, काउंसलर व दीगर पार्टी कैदी मौजूद थे। इस मौके पर बोधन एमएलए शकील आमिर ने 119 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में रकमी चेकों को तकसीम किया, जिस पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने वज़ीर-ए-आला केसीआर और बोधन एमएलए शकील आमिर को खूब दुआओं से नवाजा। बोधन एमएलए शकील आमिर ने इस मौके पर बीजेपी की जानिब से टीआरएस कायदीन पर इल्जाम को बेबुनियाद वो मजाक का कैस बताते हुए इस तरह की ऊंची हरकतों से बास आ जाने का इंतबाह दिया। बताया कि रियासत तेलंगाना सिर्फ 8 सालों में वज़ीर-ए-आला केसीआर की क्यादत में तरक्की पसीर वो दौलतमंद रियासत बन चुकी और अवाम को हर शोबे में फवायद वो राहत देने वाली इसकी मार टीआरएस की है, जिससे अपोजिशन बौखलाहट का शिकार। और आने वाले दिनों में अवाम की ख्वाहिश चीफ मिनिस्टर केसीआर को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। वंदल कोटल रूपयू वेल कोटल रूपयू ई रोज कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम किंद केटायिंचाम। ई रोज बीजेपी पार्टी गानी कांग्रेस गानी कल्लू कनपड़ता अभिवृद्धि कनपड़ता इक्कड़ चूसिना वंदल कोटल रूपये तो अभिवृद्धि चेस्ता ए वेदिकैना रंडी ओपन चैलेंज नेनु गतंलो मीरु 50 संवत्सराल 60 संवत्सरालो चेसिन अभिवृद्धि मेमी 7 8 संवत्सराल्लो दानिकन्ना 3 రెట్టింపులు ఎక్కువ అభివృద్ధి చేసి చూపించినాం। 60 సంవత్సరాలు కలపండి మా ఒక 7 సంవత్సరాలు కలపండి। ఈ రోజు ప్రజలు మా ఆడ బిడ్డలు అక్క చెల్లెలు ఈ రోజు ఎంత సుఖంగా సంతోషంగా
పెళ్లి కోసం ఈ రోజు ఖర్చు పెట్టిన పైసలు లక్ష రూపాయలు వారి ఇంటికి వాపస్ వస్తున్నాయంటే ఎంత పెద్ద మాట అది ఒకసారి దయచేసి ఆలోచించాలా. ఈ రోజు రైతులు గాని మన ఆడబిడ్డలు గాని యువకులు గాని ఈ రోజు చిన్నారు आला शख्सियत की यौमे पैदाइश तकरीबात में शिरकत करना ही नहीं बल्कि उनकी नसीहतों वो उनके दिखाए गए राहों पर हर एक को चलना चाहिए. स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने तरकीब दी, तभी मसरत भरी जिंदगी गुजारने का इशार किया. कामरेड्डी जिला बांसोड़ा हल्के के नसरुल्लाबाद मंडल मुस्तकिल में सेवालाल जयंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई और सरकारी तौर पर मनाए जा रहे इस तकरीब में स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की. मंडल मुस्तकिल के तुरबा गुरुकुल स्कूल के अहाते में लगाए गए संत सेवालाल की 238वीं जयंती तकरीब गिरिजनों में भारी पैमाने पर मनाई गई. इस प्रोग्राम में स्पीकर पोचराम तुलबा के साथ मिलकर रक्स किए. इस मौके पर इन्होंने कहा कि आला शख्सियत की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत करने के अलावा आला शख्सियत के पैगाम को अपनी जिंदगी में अमल लाए जाने का इजहार किया और संत सेवालाल महाराज का पैगाम इंसानी जज्बों की कदर करने की नसीहत देता है और इनकी नसीहतों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियों को गुजारे जाने का मशवरा दिया. इस प्रोग्राम में डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, राजगोर ग्रीजर फायद व दीगर ने शिरकत की. अन्य नियोजक वर्गालो अन्य प्रांतालो అధికారికంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున సంత్ సేవలాల్ మహారాజ్ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా నసలాబాద్ మండల కేంద్రంలో సంత్ సేవలాల్ గారి యొక్క 283వ జయంతి జరుపుకుంటున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో ఇక్కడ హాజరైనటువంటి బంజారా సోదరి సోదరిమల్లకు విద్యార్థి విద్యార్థినులకు అధ్యాపకులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున रात के औकात गैर मजाज मुलम की खुदवाई करने वालों पर सख्त इकदाम किए जाएंगे. एड़पली एसआई का बयान. मुख्तलिफ देहातों से मौसूमी फरियादों पर दिलचस्पी लेते हुए एसआई ने कहा कि गाड़ियों को सीज करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जाएगा. रात के औकात गैर मजाज मुरम की खुदवाई करने और मनमानी तेज रफ्तारी से गाड़ियां चलाते हुए खौफनाक हालात पैदा करने पर सरपंच के श्रीधर ने बौखलाहट जाहिर की. एड़पली मंडल के वड्डेपल्ली गांव में गैर मजाज मुरम की खुदवाई करने वालों पर सख्त इकदाम लेने वड्डेपल्ली सरपंच एड़पली पुलिस स्टेशन में एसआई को मकतूब दिया. इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांव के स्ट्रीट लाइट को एक नामालूम टिपर टक्कर देकर राह फरार इख्तियार की जिससे बर्खी पुल टूट गया और मुरम खुदवाई करने वालों से कई बार इस बारे में बात करने पर भी उनकी ज्यादातियों में कमी आने के बजाय और भी बढ़ चुकी और एक गाँव में नौजवान रोकने की कोशिश करने पर उन्हें धमकियां देने का एहसास किया और न मानने वालों को रुपये व शराब की बोतलें देते हुए अपने कामों को अंजाम दे रहे ऐसे अफराद पर सख्त इकदाम लेने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए मकतूब पेश करने की बात बताई और रात के औकात और इस सरकारी छुट्टियों के दिनों में पूरी तरह मुरम की खुदवाई बंद करने का मुतालबा किया और रात के औकात टिप्पर दिखाई देने पर सीज करने और मुरम की खुदवाई के लिए परमिशन होने पर ही दिन के औकात मुंतकिल करने का एसआई पांडे राव ने मशवरा दिया. रात्रि अक्रम मुरम त्रवकल जरूता इष्ट रीत अतिवेगम तो टिप्पर ग्राम में भयानक वातावरण सृष्टि यह मध्य स्ट्रीट लाइट को संबंधी पोल एरगोट जरिए गुर्त टिप्पर वे एवर की एन सारू वाला रोज रोजू दीवे तपते तक एवरना युवक अड्डक वालों बेदरी लेदे एवरना अडमी पड़कने वाले वाल डबूल मंदी मेनेज इला विलेज वातावरण मत चूड़ता ఈ వెంటనే ఇప్పుడు పోలీస్ శాఖ వాళ్ళకి కూడా మేము కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. రెవెన్యూ వాళ్ళని మైనింగ్ వాళ్ళని కూడా కోరుతా ఉన్నాం పదే పదే ఈ అక్రమ మురం తవ్వకాలని గ్రామంలో నిలిపేయండి. ఏదన్నా మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వదలుచుకుంటే ఆర్డీఓ త్రూ ఎంఆర్ఓ త్రూ గ్రామం ఈరోజు వడ్డేపల్లి గ్రామం నుంచి సర్పంచ్ శ్రీధర్ గారు వచ్చారు. వాళ్ళు ఎన్నిక పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ గ్రామం నుండి అక్రమంగా మురం తవ్వకాలు జరిగి తీసుకుపోతారు. తర్వాత బాగా స్పీడ్గా తీసుకుపోవడం వల్ల
ఇంతకుముందు పోలు కూడా ఎరగడం జరిగింది, స్ట్రీట్ లైట్ ఒక పోలు అని చెప్పేసి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంతవరకు మా దృష్టికి అయితే రాలేదు. మరి ఒకవేళ మా దృష్టికి ఏదైనా వస్తే మేము ఎలాంటి जरायम की रोकथाम और नौजवान नशा व रशिया से दूरी अख्तियार करें। पुलिस महकमे की जानिब से लगाए जा रहे कला जाता प्रोग्राम खुश आए नतायज दे रहे। एक गांव की सड़क में फिफ्थ टाउन पुलिस स्टेशन एसआई के तहत कला जाता प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। शहर के फिफ्थ टाउन की हदूद में सीपी नागराजू के अहकाम पर पुलिस कला टीम प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में शिरकत के फिफ्थ टाउन एसआई राजेश्वर गौट ने कहा कि ऑनलाइन चीटिंग केसेस, वो ऑनलाइन में खरीदारी करना, वो ऑनलाइन गेमों को डाउनलोड करने की वजह अकाउंट्स में से रुपये खाली हो रहे और साइबर क्राइम से अवाम मोहतात रहने और इसी तरह नौजवान ममनू नशावर अशिया से दूरी अख्तियार करने का मशवरा दिया और बिना हेलमेट्स के बाइक्स चलाना जुर्म होने की बात बताई और 18 साल तजावुज किए नौजवान लाजमी तौर पर लाइसेंस लेने का फिफ्थ टाउन एसआई राजेश्वर गौट ने इजहार किया। ऑनलाइन चीटिंग्स బాగా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి పిల్లలు తెలియకుండా కొన్నిటికి లోనై వాళ్ళకి అవసరం ఏదో ఇయర్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఇయర్ అవి ఇయర్ ఫోన్స్ దాని గురించి కానీ దాని వేరే ఏదన్నా వాళ్ళ నీడ్స్ వాళ్ళకు కావాల్సిన దాని గురించి యాప్ డౌన్ చేసుకొని అట్లా అకౌంట్ నంబర్ ఇచ్చి డబ్బులు చాలా కోల్పోతున్నారు దాని మీద. తర్వాత కొందరు ఏంటంటే జాబ్స్ అని ఆఫర్ ఇచ్చి ఇట్లా మెసేజ్లు పెట్టేసి మీకు పర్ మంత్ పర్ డే ఇంత మీరు ఎర్న్ చేయవచ్చు మనం సంపాదించుకోవచ్చు అని ఈ విధంగా కూడా అట్లా యాప్లు డౌన్లోడ్ చేయించుకొని వాళ్ళు డబ్బులు ఈ విధంగా కాజేస్తారు. बोधन शेख मंदिर की तराकियात के लिए 1 करोड़ रुपए मनादिर महकमे से मंजूर करवाने की कोशिश करने का एमएलए शकील आमिर ने इजहार किया। शिव मंदिर के लिए शिवरात्रि तकरीब भारी पैमाने पर मनाने का कमेटी मेंबरान को मशवरा दिया। बोधन एमएलए शकील आमिर ने अपने कैंप ऑफिस में शिव मंदिर तकरीब पोस्टर की इजराई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिव मंदिर के लिए अभी तक ही 1 करोड़ रुपयों की लागत से तराकियात दिलवाई गई और 1 करोड़ रुपये तराकियात के लिए मंजूर करने का एहसार किया और 1 करोड़ रुपयों को जल्द मंजूरी देते हुए खर्च करवाने का कमेटी मेंबरान को तयकुन दिया और मंदिर कमेटी के चेयरमैन की नुमाइंदगी में मंदिर की तराकियात मुमकिन होने पर सताइश जाहिर की। भरत यादव गारु चेयरमैन गारु పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నారు. గతంలో కూడా 1 కోటి రూపాయలతోనే అభివృద్ధి చేసిన శివాలయంకి మళ్ళా ఇంకా ఫండ్స్ కావాలని అడుగుతూ ఉన్నారు. తప్పకుండా ఎండోమెంట్స్ నుంచి ఇంకో 1 కోటి రూపాయలు శివాలయానికి తీసుకొచ్చి మరింత అభివృద్ధి చేస్తామని మీరందరికీ కూడా మాట ఇస్తున్నా. మన బోధన్ శివాలయం అంటే మనకు చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్ ప్లేస్, చాలా పురాతనమైన ఆలయం కాబట్టి తప్పకుండా దాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసి 46వే డివిజన్ పులాంగ్ మే అవామ్ కో పీనే కే పానీ కే కిల్లత్ కా సామ్నా. అవామ్ పానీ కే ట్యాంకరో సే పానీ హాసిల్ కర్నే పర్ మజ్బూర్. పానీ కే లియే పైప్ లైన్ తో డాలీ గయి మగర్ వాటర్ ట్యాంక్ సే పానీ కీ లైన్ కో నా జోడ్నే ఔర్ పానీ కీ సర్బ్రాహీ నలో కే జరియే అమల్ మే నా లానే సే పానీ కే కిల్లత్ కా సామ్నా హై అవామ్ కా ఇజ్హార్. శహర్ కా 46వా డివిజన్ మొహల్లా పులాంగ్ जो कि निजामाबाद का खदी इलाका है, उस इलाके के अवाम को इस वक्त पानी की किल्लत का मसला दरपेश है और अवाम पानी के टैंकर से पानी के हुसूल पर मजबूर है, जिस पर अवाम ने शदीद गुस्सा व नाराजगी जाहिर की। सवाल क्या कि क्या हम देहात और कस्बे में जिंदगी बसर कर रहे। इस मौके पर हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी जिम्मेदार नदीम अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 14 फरवरी को पानी की किल्लत के मसले पर म्यूनिसिपल इंचार्ज कमिश्नर से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त दी गई थी, बावजूद इसके ताहल इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई और अवाम आज भी पानी की किल्लत के मसले से दोचार है। पानी की नई लाइन नस्ब की गई लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया, जिससे मसला होने का एहसास किया और मसले को फौरी तौर पर हल करने का ओहदेदार व मुंतबा अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया। कमिश्नर मैडम को 14 तारीख को एक दरख्वास्त दी है कि नई पाइप लाइनिंग डालने के बाद अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया और कनेक्शन देने के वास्ते भी आके टाकी में जाके बोले तो अब आते जब आते बोले कनेक्शन देने वालों को भगा दे रहे हैं, यहाँ से वाला बंद कर दे रहे, पानी नहीं आ रहा। अब ये पब्लिक का प्रॉब्लम कब साल होता, कब करते? और यहाँ के जो लाइन मैन है और यहाँ के जो एई साहब है आ रहे हमारे देख रहे, काम नहीं हो रहा। आखिर ये प्रॉब्लम क्या है हमको समझ नहीं आ रहा। लोग तकलीफ में है और लेडीज घर के बाहर निकल के पानी भर रहे या गांव में जी रहे कि हम लोग यहाँ पे
ये खदीम महिला है महिला पुलांग, यहाँ पे लेडीज पानी भर रहे बोल तो अब कब तक पानी भरना है यहाँ पे लोग, तो लिहाजा हमारी अदबन गुजारिश है कमिश्नर मैडम से कि हमें दरखास्त दिए 14 तारीख को कि मैडम को विजिट करो बोल के, और जो भी है जल्द से जल्द यहाँ पे काम मुकम्मल होना। हमारी कमिश्नर साहब से गुजारिश है महिले में आके सर्वे करे, जो है नई लेन में जो है पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, नए कनेक्शन देने के बाद भी जो है पानी नहीं आ रहा, अब आने वाला धुपकाला है और रमजान आने वाला है, अब ये पूरा पानी जो है बिल्कुल बंद है। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन, जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदीन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियां बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन, फीस सिर्फ 51 रुपये, रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद, सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां खानदानी माहिर अमराज, हमारे यहां खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है, खवातीन के मसाइल औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल, नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी, फीस सिर्फ 51 रुपये, मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए, हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक्साम की अंगोटिया, बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं, बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्त सुल्तान से खरीब पैराडाइज होटल निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की छानी। बल्दिया भीमकल चेयरपर्सन केसेस से के प्रेमलता काउंसिल में मुत्तफिका तौर पर मुंतकिल, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने सनद हवाले की, अरकान बल्दिया ने दी मुबारकबाद, भीमकल की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, हर एक से ताउन की ख्वाहिश। हल्का संभाली बालकुंडा में भीमकल ग्राम पंचायत को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मजलिस बल्दिया का दर्जा दिया गया और इसके सदर नशी के ओहदे को खातून के लिए मख्तस किया गया। भीमकल बल्दिया की पहली सदरनशीन एम राजश्री लक्ष्मण ने 27 जनवरी 2020 को अपने ओहदे का हल्फ लिया था। गुज़िश्ता 2 वर्ष से वो सदरनशीन के ओहदे पर फाइज रही। अपनी खराबी सेहत के बायस जारिया साल यकुम फरवरी को उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। निजामाबाद जिला इलेक्शन ओहदेदार ने एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा की क्यादत में चेयरपर्सन का तमाम काउंसलर की जानिब से मुत्तफिका तौर पर के प्रमलता का इंतखाब किया गया। एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने 9 मुंतखब चेयरपर्सन को सर्टिफिकेट हवाले किया। इस मौके पर भीमकल कमिश्नर जी गंगाधर के अलावा तमाम काउंसलर्स ने 9 मुंतखबा चेयरपर्सन को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का एहसास किया। 9 मुंतखब चेयरपर्सन ने रियासती वजीर इमारत व शुरा विमला प्रशांत रेड्डी और तमामी का शुक्रिया अदा किया और इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने की बात कही और हर कोई उनका ताउन करने की अपील की। भीमगल मुनपालिटी की संबंधी चर्पर्सन ग्रीमती मल्ल राजश्री मेडम गार वार अनारो्य कारण रीत्या चर्पर्सन पदवी की राजीनामा चयन वाल अट्ठी राजीनामा जिला कलेक्टर गार आमोदी स्टेट इलेक्शन कमीशन की पंप जरूरी स्टेट इलेक्शन कमीशन गारी आदेश प्रकार चर्पर्सन एन कवेश जरूरी
ఇది సమావేశానికి జిల్లా కలెక్టర్ గారు గౌరవనీయులైన శ్రీమతి చిత్ర విశ్రామ మేడం గారిని అడిషనల్ కలెక్టర్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్గా నియమించడం జరిగింది. కాబట్టి వారి సమక్షంలో ఈరోజు చైర్పర్సన్ ఎన్నికలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఇటు ఎన్నికలో గౌరవ సభ్యులందరూ ఏకగ్రీవంగా వార్డ్ నెంబర్ 1 శ్రీమతి కన్నె ప్రేమలత గారిని చైర్పర్సన్ గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. टीआरएस व बीजेपी फाइटिंग में हाथापाई वो पथराव, मुकामी पुलिस सब इंस्पेक्टर जख्मी, दोनों ही जमातों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, बीजेपी मजहब व जात पात की सियासत से इख्तदार की भूखी, टीआरएस का इल्जाम, शिवाजी महाराज के मुजस्मे की नकाब कुशाई के दौरान तनासा, कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी, पुलिस ने हालात को काबू में किया, तफसील देखते हैं. गुज़िश्ता चंद महीनों से टीआरएस व बीजेपी के दरमियान लफ्जी झड़पें तेज हो चुकी थी. अब ये सर्द जंग मारपीट तक पहुंच चुकी, जहां टीआरएस तराकियात व इस्कीमात के दम पर अवाम के दरमियान खुद को मनवाने का दावा कर रही, वहीं बीजेपी की इश्तियार अंगेज बयानबाजी और टीआरएस के आला कायदीन पर जमकर इल्जाम की बूछा नौबत झगड़े तक जा पहुंची. खबरों में भी हल्के रूरल में बीजेपी व टीआरएस के दरमियान जबरदस्त कशीदगी पैदा हुई. और अब एक और मामला था शिवाजी महाराज की जयंती तकरीब के मौके का. दरपली मंडल में उनके मुजस्मे से नकाब कुशाई के मौके पर बीजेपी कायदीन की जानिब से जिला एमपी धर्मपुरी अरविंद को बतौर मेहमान खुसूसी मधु क्या क्या और उनके दौरे का बाजाबता ऐलान भी हुआ. ऐलान के बाद से टीआरएस कायदीन ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, जहां एमपी को मधु क्या क्या तो टीआरएस रुकने असेंबली वो टीआरएस कायदीन को मधु ना करते हुए क्यों कर नजरअंदाज क्या क्या सवाल उठाया और एमपी के दौरे की मुखालिफत शुरू की. पुलिस इस बात को भांपते हुए एमपी अरविंद को दौरे की इजाजत नहीं दी और नकाब कुशाई के मौके पर बीजेपी कायदीन जमा थे और टीआरएस कायदीन वो कारकुना जमा हो गए और नारापासी शुरू की. इसी दौरान लफ्जी बहस मारपीट में तब्दील हुई, दोनों तरफ से पथराव हुआ, पुलिस ने दोनों को हटाया. इस वाकये में दरपली एसआई कृष्णा रेड्डी जख्मी हो गए. क्या सिर्फ मजहब व नफरत की सियासत की जाए, अहम सवाल है. दरपली केंद्र नंदु मंडल केंद्र नंदु छत्रपति शिवाजी विग्रहा आविष्करण कोसम छत्रपति कमिटी दाँ लोकल्लो सहज जरूरी अन्नी सन्हा तरवा इकड़ अंदर रेचोटि इला बीजेपी अला चिच्छुपे इला अंदर आगम चुना अ पिल अकड़ र्यी अने पेर तो मतलब छत्रपति शिवाजी दच्चि इला अंदर इच्छेना भारत देश में इला मेम हिंदूमे मेम छत्रपति शिवाजी वारसमे पेर तो इला अभिवृद्धि अड्डा चेपेसी अद हिंदुत्व पेर तो इला रेचोटे वाख्य. फिलहाल मुआशरे में गुरबा की बहबूदी व तरक्यात की उम्मीद रखने वाले सही मायनों में मसीहा है. बोधन आरटीओ राजेश्वर का बयान, गांव से और उस जगह के गुरुकुल तालिबात से किसी भी तरह का ताल्लुक ना रखते हुए भी अपनी जानिब से माली ताउन देते हुए इंसानी जज्बे का सबूत दिया. आज के मुआशरे में गुरबा की तरक्यात की ख्वाहिश रखने वाले सही मायनों में मसीहा होने का बोधन आरटीओ राजेश्वर ने इजहार किया. इडपली तालिबाती गुरुकुल कॉलेज में आइलो माई विलेज इदारे की जानिब से लगाए गए प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि गांव से वो बच्चों से किसी भी तरह का ताल्लुक ना रखने वाला शख्स अमेरिका में कयाम पसीर शख्स गुरुकुल स्कूल को माली ताउन देना सताइश के काबिल है. सैकड़ों लड़कियां जेरे तालीम गुरुकुल कॉलेज में बुनियादी सहूलियत फराहम करने के लिए आगे बढ़कर माली ताउन देते हुए दूसरों के लिए मिसाली साबित होने का इशारा किया. और आइलो माई विलेज के बानी नागिंदर ने मुख्तलिफ एनआरआईस के लिए मिसाल कायम करने की बात बताई. वो खुद गरीब खानदान से ताल्लुक रखने पर अपनी जिंदगी को जिस तरह रोशन किए दूसरों की जिंदगियों को भी इसी तरह रोशन करवाने के मकसद से अपने इलाकों की तरक्यात करवा रहे और अपने वो अपने इदारे की जानिब से 50,000 रुपये देने पर मुबारकबाद दी और कलेक्टर से बातचीत करते हुए बुनियादी सहूलियात फराहम करने का तयकुन दिया और असातेजा भी बच्चों को तालीम से सरफराज करने की बात बताई. మీకు ఇన్ షేప్ ఆఫ్ క్యాష్ రూపంలో ఇచ్చారంటే మీరు ఏదైనా స్పెసిఫిక్గా అడిగినా ఇచ్చేవాడేమో మరి ఇప్పుడు ఆయన ప్రైమరీగా 1,50,000 త్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ రిలీజ్ చేస్తామని చెప్పాడు. మీరు ఒకటే ఒకటి స్టాప్ యూనిటీగా మరి మీ పెద్దల సహకారంతో మీకు రెగ్యులర్గా హెల్ప్ చేస్తున్నటువంటి మన లయన్స్ సోదరులు కానీ ఇతర సహకారంతో మీరు ఏదైతే ఉపయోగపడుతుందో దీన్ని చేసుకోండి. మీకు వెరీ ఎసెన్షియల్ నీడ్ ఉన్నటువంటి వాటికి
పిల్లలకు ఉపయోగపడేటువంటి వాటికి మీరు దీన్ని ఎక్స్పెండిచర్ చేసుకోండి. ప్రభావతి గారికి ఈ సందర్భంగా నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే, కొంత మన ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఇది ఒక గురుకుల పాఠశాల, దీన్ని కొంత స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సరే, छत्रपति शिवाजी की यौम पैदाइश तकरी बजरंग दल के तहत भारी पैमाने पर मनाई गई. उनकी तस्वीर मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की. बीरपुर मंडल मुस्तफिर में शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश के मौके पर बजरंग दल कारकुनों व बीजेवाईएम मंडल के शाख के तहत भारी पैमाने पर तकरीब मनाई गयी. बीरपुर मंडल मुस्तफिर के गांधी चौक के पास बजरंग दल के तहत छत्रपति शिवाजी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई गई. शिवाजी की तस्वीर से गांव में शुभ यात्रा निकाली गई. इसी तरह बजरंग एड़गी गांव में बजरंग दिल के तहत शिवाजी जयंती तकरीब मनाई गई. और इस तरह टीआरएस खैर व कारकुनों ने शिवाजी मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किए. इख्तिताम से कबल ब्रेक पर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. तरक्यात का सफर टीआरएस से मुमकिन. टीआरएस की बेहद मकबूल व काबिल तकलीफ इसकी मौत से अपोजिशन का दिमागी तवासुन बिगड़ा. गलत बयानबाजी से बाज आने का इंतबा. बोधन एमएलए शकील आमिर. टीआरएस और बीजेपी की सर्दू और लफ्जी जंग पथराव में तब्दील. वाकई में पुलिस एसआई जख्मी. सिर्फ मजहब और नफरत की सियासत ही बीजेपी का शेवा. टीआरएस कैदी. बंगिया फिंगल चेयरपर्सन केसेस से के प्रेमालता मुतफिका तौर पर मुंतकी. एडिशनल कलेक्टर ने की सनद हवाले. हर एक टाउन से तराकियात के लिए काम करने चेयरपर्सन का आज़्म. जन्मदिन तकारीफ मनाना ही नहीं बल्कि उनकी खिदमत को याद करना और उनके नजरियात को अमली जामा पहनाना ही असल खिराज अकीदत. स्पीकर कोचरा. तो ये थी खबरों की तफसील. इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी. अब देर शासन. अल्लाह हाफिज.